क्या आप कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और फिर भी आप सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं? क्या आप एग्ज़ाम देते देते समय आपको ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे समझ से बाहर है और आप एक छोटे से टॉपिक की वजह से आप एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं? तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। नमस्कार, सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्त, मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें। चाहे आप बिगिनर्स हों, चाहे आप कई बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं, आप दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हों या चाहे बिगिनर्स हों, दोनों के लिए ये वीडियो वरदान साबित होगी। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, ऐसे रणनीति हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इन्हें फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे पहले हम बढ़ने, इससे पहले हम कुछ बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई बार टेट और सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और ये हमारे टेट सीटेट क्वालिफाई करने की सर्टिफिकेट और हमारा ये यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट, इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बहुत क्लियरली नज़दीक से देख सकते हैं, अगर आपको विजुअल हो रहा है तो, ये सेंट्रल बोर्ड सीटेट का जो हमारा सीबीएसई का रिजल्ट है। ओके, तो आप पता कर सकते हैं। आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आधा अधूरा ज्ञान आपको शेयर कर रहे हैं। तो सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं कि किस रणनीति को फॉलो करके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन चैनल पे नए होंगे, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो जस्ट कम टू द पॉइंट गाइस। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर, प्लीज फोकस। जस्ट यू सी हेयर, दिस इज द टोटल सब्जेक्ट ऑफ सीटेट एंड दिस इज द मार्क्स ऑफ एंड क्वेश्चन दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्वेश्चन एंड मार्क्स। ओके, तो ऑल द थिंग दैट इज फ्रंट ऑफ यू एंड यू वॉच इट केयरफुली एंड आई विल डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्क्राइब ओवर हेयर। ओके, तो फर्स्ट वी सी, जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम देखते हैं कि टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फाइव होते हैं एंड फर्स्ट वन इज सी डी पी, सेकेंड वन हिंदी, थर्ड वन मैथमेटिक्स, फोर्थ वन एवीएस एंड फिफ्थ वन, फाइव वन इंग्लिश एंड संस्कृत। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल से सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं पांच होते हैं। एक सी टी पी दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड हिंदी जैसा एज यू नो दैट, एंड थर्ड इज मैथमेटिक्स, फोर्थ ईवीएस दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज, ओके, एंड फाइव इंग्लिश और संस्कृत। तो ये टोटल सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप चूज करते हो। ओके, लैंग्वेज के आधार पर आप जान सकते हैं, लैंग्वेज में हिंदी लेते हैं या तो एक संस्कृत लेते हैं या जो भी, व्हाट एवर यू वांट, जो भी आप चाहें आप ले सकते हैं। दैट इज नो बाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट ओवर हेयर। ओके, तो जिसको जो भी इसको लैंग्वेज जो कंफर्टेबल हो वो चूज करता है, चाहे तेलुगू हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, एंड चाहे पंजाबी हो, चाहे जो भी हासा लैंग्वेज हो वो चूज कर सकता है। तो फाइव टोटल सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं और टोटल सब्जेक्ट में आप देखते हैं प्रत्येक जो सब्जेक्ट में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं दैट इज द 30 क्वेश्चन एंड दैट इज द सेम मार्क 30। तो मार्क्स की संख्या और नंबर्स की संख्या दोनों 30-30 होती हैं। इस प्रकार से अगर हम पांचों सब्जेक्ट का काउंट करें, 30 + 30 + 30 + 30 + 30, ओके, तो 30-30 इज इक्वल टू 3 × 5 इज इक्वल टू 150। तो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या आती है 150 आती है और टोटल मार्क्स की संख्या वो भी 150 आती है। अब बोलो सर, इसमें नई क्या चीज़ है? नई चीज़ ये है जो यहाँ पे लिखा है, हम इसी रणनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या नई चीज़ है? आप देखते हैं कि जो 15 नंबर की होती है हमारे सीटेट में क्या होता है, 15 नंबर की जो होती है वो तो हमारा क्या आता है, थ्योरी आता है, और टोटल 15 नंबर की हमारी क्या आती है, पेडागोजी आती है। जैसा कि आप भलीभांति परिचित हैं, आई एम राइट, 15 नंबर की थ्योरी और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। इस प्रकार हम अगर टोटल थ्योरी को जोड़ें, 15 + 15 + 15 + 15 ओके, तो टोटल दैट इज 75 मार्क्स। अगर आप थ्योरी के जोड़ें तो टोटल 75 मार्क्स आपको मिलता है। और इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, इसकी +15 + 15 + 15 + 15, इसी प्रकार 75 नंबर आपको पेडागोजी में मिलता है। तो आपने देखा, तो 75 नंबर आपको थ्योरी में 75 नंबर प्लस पेडागोजी में कितना होगा, 75 नंबर, ओके, और टोटल अगर इनको जोड़ दिया जाए कितना आएगा, 150 आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही चीज़ तो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। आपने देखा कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है प्रत्येक सब्जेक्ट के, हो चाहे वो सी डी पी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ई वी एस हो, चाहे इंग्लिश से संस्कृत हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर की जो होती है और प्लस में प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर की थ्योरी आती है। तो हमें फोकस इस थ्योरी पर नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, फोकस हम किस पर करेंगे, सिर्फ पेडागोजी पर करेंगे।
अगर हम पूरी पेडागॉजी को इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि हमारे दिल में, हमारे जेहान में बैठ जाए, जिससे हमारी पेडागॉजी में एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, तो हम 75 नंबर बिना मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए, आपको 75 नंबर यहां से मिल जाएगा। क्लियर? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपको 75 नंबर यहां से मिल रहा है, और इसमें जो 15 नंबर की थ्योरी है, ये भी तो साइकोलॉजी ही है ना, ये भी तो पेडागॉजी का ही भाग है, और इसमें प्लस 15 जोड़ देते हैं CDP का, तो टोटल आपको 90 मार्क्स आ जाते हैं, 90 मार्क्स। और 90 मार्क्स इस सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। ओके, तो इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बहुत जल्द ही एक बैच ला रहे हैं जो कि 15 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये बैच बिल्कुल फ्री होगा आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जो बैच होगा आपको बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से, और इसमें हम लगातार क्लास लेंगे पेडागॉजी की, हम लेंगे तो साइकोलॉजी की, और पूरा करेंगे कंप्लीट पार्ट आपका पेडागॉजी प्लस साइकोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट होंगे बहुत ही अथेंटिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगा, जैसे आपको लगेगा नहीं कि हम सीटेट की क्या हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं जो आपके घरेलू डोमेस्टिक एग्जांपल के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज ऑल द थिंग दैट वी आर डिस्कवर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हमारे पास थी। तो हिंदी हमने देखा, CCDP देखा, मैथमेटिक्स, EBS, दैट इज द 5 सब्जेक्ट इन योर दिस एग्जाम, सीटेट एग्जाम। ओके, यू हैव टू अचीव ओनली 30 नंबर, सॉरी यू हैव टू अचीव ओनली 90 नंबर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम्स। ओके, तो नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऑनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।